गगज्जर प्रवाह पावितस्तरे गलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग पकड़ के लाया ससुरे को। अरे छोटे, तुमको पहले ही मना किया था ना हमने, ये सब काम छोड़ना है हमको यार। अच्छा नहीं लगता यार ये सब करना। लेकिन भैया जी, बात माना कर, जितना बोला है उतना करो, और जहाँ से उस बंदी को लाया हो ना वहाँ छोड़ के आओ उसे। भैया लगता है भैया जी हो गए पागल। हमारा तो मन करता है भैया जी को ठोक ठाक के काम पैदिश कर दे। कल तक लोग हमसे डरते थे, आज भैया जी कह रहे काम छोड़ दूं। और भाई क्या चल रही है बात दोनों भाइयों में? कुछ नहीं भैया जी। और भाई लोगों कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है भैया जी? दिक्कत पूछने की बात पूछनी थी भाई। पूछो क्यों नहीं भैया जी, आपने बोल दिया ये काम छोड़ दो, फिर हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उसका भी कोई नहीं, कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है ठीक है भैया, टेंशन नहीं लेनी है, पूछना कुछ नहीं। शर्मा जी आप टेंशन मत लो, आपकी डील हो जाएगी। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आप सुनाने की? ओए शांत हो जा भैया, यहाँ तेरे पास काम मांगने आए। सॉरी भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई और हम लोगों ने ना वो जिंदगी छोड़ दी है, तो हम लोग आपके पास काम के लिए आए हैं। तेरे को लगता है तेरे जैसे कुत्तों की औकात है मेरे ऑफिस में काम करने की? और सुन, एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर तुझ जैसे गुंडों की औकात नहीं। इससे पहले तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूं, दफा जा मेरे ऑफिस से।
सब राज्य खुशे। तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जिंदगी में पहली बार गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता अपनाने का सोचा था, पर तुम लोगों ने ना वो भी गवा दिया। सच कहते थे मेरा चाचा था, वो बंदा कुछ भी कर लेना लास्ट में उसका नाम ही काम होता है। और रही बात औकात की, तुम्हारी जैसी औकात की दर्जनों जाते हैं हर सुबह सलाम करने हमें हमारी हवेली पे आती हैं। और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं।